टू ट्रेन पी एंड क्यू आर फोर हंड्रेड किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एट ए स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर टू आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू टूवर्ड पी एट फोर्टी फाइव किलोमीटर्स पर आवर एट वट डिस्टेंस फ्रॉम पी द ट्रेन विल मीट सो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये P और Q आप दो पॉइंट बना लें और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 400 हंड्रेड किलोमीटर्स एक ट्रेन इधर से चल रही है वो चल रही है 60 किलोमीटर्स पर आर पे और एक ट्रेन है इधर से चल रही है वो चल रही है 45 किलोमीटर्स पर आर पे Uh, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आफ्टर टू आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी एट फोर्टी फाइव तो ये क्यू वाली ट्रेन जो है ये लेट चलती है इतनी देर में ये पी ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया हम इस पॉइंट को एक्स मान लें कि ये जो डिस्टेंस है ये पी ने कवर कर रखा है जब ये क्यू चलती है तो ये डिस्टेंस जो पीएक्स है वो कितना होगा सिक्सटी किलोमीटर पर आवर को हम टू आवर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा किलोमीटर डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय टू तो वन ट्वेंटी किलोमीटर का ये डिस्टेंस आ गया पीएक्स तो अब ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन एक एक्स से चली वो चली सिक्सटी किलोमीटर्स पर आर पे और एक क्यू से चली फोर्टी फाइव किलोमीटर्स पर आर पे और ये इकट्ठी चलती है और अब हम पता लगाएं कि ये कब मिलेंगी एट वाट टाइम तो स्कीम ये है कि हमें इसका टाइम पता चल जाएगा जब हमें टाइम पता चल गया तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये सिक्सटी वाली ने वो डिस्टेंस कितनी देर वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा इसमें जोड़ देंगे तो वो आंसर आ जाएगा तो ये हम पहले पता लगाए कि ये दोनों कितनी देर बाद जाके मिलती हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है वो अब बच के रह गया है वी कैन से इट इज फोर हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी तो ये कैलकुलेट हो जाएगा टू एट्टी पे सो वी कैन राइट टू एट्टी हेयर सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम राइट नाउ अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं. तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कवर किस रेट पे हो रहा है वो हो रहा है सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव इक्वल टू हंड्रेड फाइव किलोमीटर्स पर आवर पे क्योंकि ये दोनों इकट्ठा वर्क कर रही हैं। तो पिछला वीडियो आप देख लें जिसमें मैंने ये काफी डिटेल में समझा रखा है तो इसको हम लिखते हैं कि 105 हंड्रेड फाइव किलोमीटर्स आर कवर्ड इन वन आर तो ये 280 हंड्रेड एट्टी किलोमीटर्स कितने में कवर होंगे उसके लिए टाइम लगेगा वन बाय वन हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू हंड्रेड एट्टी इसको हम अभी लिख लेते हैं 280 एट्टी बाय वन बिना कैंसल किए यानी कि वो 280 एट्टी बाय वन आवर के बाद वो ट्रेन कोई यहां कहाँ के आसपास मिलती हैं। अब इतनी देर में ये वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये 60 पे चल रही है तो ये मेरे पास टाइम है तो वही फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस इज स्पीड बाय टाइम सो वी कैन राइट डिस्टेंस इज स्पीड बाय टाइम स्पीड है 60 और टाइम है 280 एट्टी बाय वन तो ये वाली फिगर अगर कैलकुलेट हो जाती है सिंप्लीफाई हो जाती है तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला सो so, इसको हम सेवन के टेबल पे काट सकते हैं ये फोर्टी हो गया ये फिफ्टीन फोर पे कट गया ये वन सिक्सटी हो गया तो ये वन सिक्सटी और ये वन ट्वेंटी इनको जोड़ लेंगे तो ये टू एट्टी आ जाता है सो वी कैन से दैट दे विल बीट एट 280 एट्टी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम P. So, this 280 kilometer is the answer for this question.